हेलो माय वंडरफुल फैमिली, आई होप आप सब लोग मेरे स्किन और हेयर केयर DIYs का भरपूर मज़ा उठा रहे हैं और इन गर्मियों में ना घर पे बैठ के आराम से अपनी स्किन को और गुडी गुडी और बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एंटी रिंकल फेस मास्क। मैं एंटी एजिंग नहीं कहूँगी क्योंकि एजिंग के साथ जो रिंकल्स होते हैं वो अलग होते हैं और हमारे रिंकल्स जो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान, हमारे ढंग से खुश न रहने की वजह से होते हैं वो अलग होते हैं। जिनमें आपके कौन से रिंकल्स होते हैं, आपकी फाइन लाइन्स होती है, आपके लिप के आसपास के एरिया जो होते हैं वो ड्रैग आउट होने शुरू हो जाते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं तो आपके फोरहेड पे रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही न्यू एज होती है तब भी बॉयज़ हों या गर्ल्स हों उनके फोरहेड पे लाइंस होती हैं, तो ये लाइंस के इंडिकेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं और अपना लाइफ स्टाइल भी ढंग से नहीं करते। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपके सामने, अगर आपने आज से स्टार्ट कर लिया, सही उम्र से स्टार्ट कर लिया, तो रिंकल्स आपके टिल योर लाइफ कभी भी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। एज आज जस्ट ए नंबर, मैं बार बार कहती हूँ एज इज जस्ट ए नंबर। आपको अपने आप को खूबसूरत दिखाने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ राइट इट डाउन कि आज का जो मास्क है उसमें हम क्या क्या चीज़ लेने वाले हैं। हमें उसमें लेना है जिलेटिन पाउडर। दोस्तों जिलेटिन पाउडर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही बाय करिएगा, मैं किसी किराना स्टोर को रिकमेंड नहीं करूँगी। कितना भी बढ़िया किराना स्टोर हो मैं इसलिए नहीं करूँगी कि वहाँ पे शायद वो लोकल बेच सकते हैं, कोई ब्रांड का पर्टिकुलर नेम नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन जो भी चीज़ सेल करता है उनके पास सारी चीज़ ऑथेंटिक रहती है। आपको लेना है जिलेटिन पाउडर, राइस पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, एलोवेरा जेल एंड आपको लेना है रोज़ वाटर। ये पांच इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं। आपको क्वांटिटी कैसे लेनी है, आपको 1 टेबल स्पून जिलेटिन पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून आपको राइस पाउडर लेना है, आपको थोड़ा सा मतलब 2 or 3 pinch आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, एलोवेरा आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं जितना आपको थिकन पेस्ट करना है, और गुलाब जल इसलिए कि आपको इस मास्क को क्लीन करने के बाद गुलाब जल की ज़रूरत पड़ेगी और अपने मास्क में भी मिलाना है। जिलेटिन पाउडर जो होता है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप जब वो लगाएंगे ना तो आप अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे 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 लगा दिया अपनी स्किन को। फोरहेड की स्किन की एक्सरसाइज क्या होती है कि आप अपवर्ड जाएंगे, आईज़ के आसपास बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाना चाहिए। चिन पे आप लगाएंगे तो अपवर्ड लगाएंगे और अगर आप यहाँ पे करेंगे नेक पे तो आप डाउनवर्ड जाएंगे, राइट। ये हमारा मास्क एप्लीकेशन का एक तरीका होता है। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी स्किन कभी भी लूज़ नहीं होगी। जिलेटिन पाउडर आपकी स्किन पे पील ऑफ मास्क का काम करता है, तो प्लीज़ अगर आपके फेस पे फाइन हेयर है, अगर आपके हेयर लाइन है जॉ पे, आपकी चीक्स पे अगर फाइन हेयर है तो उनसे थोड़ा सा बचा के लगाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा, बट हाँ आपके जब हेयर थोड़े से ड्रैग आउट होंगे तो शायद आपको पेन हो सकता है और फिर आप मुझे बहुत सारा डांटेंगे कि ये कैसा मास्क बता दिया, बट बिलीव मी दोस्तों कि अल्टीमेट मास्क है ये। इन सब चीज़ों को आप मिला लेंगे, कोशिश करिएगा कि अपनी अगर फाइन लाइन से तो आइज़ के आसपास भी आपने लगा लिया, आइज़ के ऊपर नहीं लगाना है आपको, और अपनी चीक्स पे लगा लिया, चिन पे लगा लिया और अपने नेक पे ड्रैग आउट कर लिया ऐसे ऐसे करके। ये मास्क आपको तब तक लगाना है जब तक आपका बिल्कुल पैड ड्राई ना हो जाए। आप टच करके देखेंगे, जब वो ड्राई हो जाएगा आप उसको गुलाब जल में थोड़ा सा पैट पैट करके आप उसको पील ऑफ कर देंगे। उसके बाद आपको फेस पे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सिर्फ रोज़ वाटर के साथ जाना है। ऐसा आपको महीने में 2 बार करना है, ट्वाइस इन ए मंथ, सिर्फ 2 बार। और ये जो मास्क है ना, आपका जितना भी रिंकल है, जितनी भी फाइन लाइन्स है, सबको रिड्यूस कर देगा। एक बात और मैं बताती हूँ, जब हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, मैंने देखा है मतलब 90% लोग ऐसे ऐसे हुआ और लगा लिया, ये कोई तरीका नहीं होता। आप रोज़ाना 5 सेकेंड की मसाज अपनी बॉडी को, अपने फेस को दे सकते हैं ड्यूरिंग योर मॉइस्चराइजर सेशन। आप जब भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइएगा, किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लिफ्टिंग कप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए मेरे साथ मेरे पेज पर, इस स्वकेश ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन।